हमदान यहाँ पर आओ। हमदान हमदान आप तो अच्छे लग रहे हैं माशाल्लाह से। हमदान हमदान आप तो बहुत अच्छे लग रहे हैं। हमदान नो हमदान अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप सब ठीक है, मज़े में। अल्हम्दुलिल्लाह हम भी बिल्कुल ठीक हैं। और ये हम लोग आए ओएसिस मॉल में, इसमें पेटिंग जू ओपनिंग हुई है। हमने सुना है कि यहाँ पर पेटिंग जू ओपन हुआ है, तो आई थिंक स्नेक होना चाहिए। बिल्कुल स्नेक, आई एम एक्साइटेड टू। मास्क हटा के बोलो ना सही तरह, बोल द स्नेक। यस, तो जाते हैं और चेक करते हैं कैसा पेटिंग जू है। चलो लेट्स गो। हमदान 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 बी केयरफुल। हम लोग आने में थोड़ा सा लेट हो गए, वरना इसकी टाइमिंग जो है ना मॉर्निंग 9 से रात के 10 बजे तक है। तो आप देखते हैं क्या इसके अंदर है टाइमिंग। 10 बजे तक की तो है फिलहाल, एक दो घंटे हैं 10 बजने में, तो जब तक बच्चे एंजॉय कर लेंगे जू में। और ये कितना खूबसूरत सा पैरट नज़र आ रहा है देखो। और ये हमदान अभी अंदर जाके हमदान इसको अपने ऊपर बिठाएगा। हमदान ये क्या, ये बकरे भी हैं कामन? हमदान बकरा, हमदान 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 गोट, हमदान गोट, हमदान गोट। क्राउड है यहाँ पर क्योंकि वीकेंड भी है ना आज। वो देखो एक वो वाइट पैरट कितना क्यूट लग रहा है। और नीचे ये डियर्स भी हैं, डक है। वाह सो क्यूट। हमदान डक देखो, हमदान 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 आप डर क्यों रहे हो? हाँ डर के डक आप देखते हो ना इसको, हमदान डक। अभी हम अंदर जाते हैं, पापा टिकट बाय कर लें, फिर हम अंदर जाते हैं। ओके आपको मैं लेकर जाती हूँ। ये पैरेट देखो, पैरेट कितना अच्छा है ना, कलरफुल। और ये गॉड देखो, इसको अंकल देखो लीव्स खिला रहे हैं। ली टिकट ले ली हमदान। वो देखो ऐसा पैरेट पहले ना हमारे घर में था, काफ़ी साल तक रहा, फिर उसको बिल्ली खा गई, हमारा मिट्टू। सेम टू सेम ऐसा ही था। ये जंप कर लेता है लेकिन इसकी रस्सी छोटी रखी, अच्छा है। ये हमदान के फेवरेट रैबिट, हमदान खास रैबिट के लिए आया है। कितने क्यूट लग रहे हैं ये रैबिट। एक वो सो रहा है वहाँ पर, यहाँ बच्चे भी बैठे हुए हैं। बहुत अच्छा था बनाया ये। स्नेक को बिठाओगी? हाँ ठीक है हमदान, आप बिठाएंगे स्नेक को। आपने रैबिट देखा हमदान? हमदान गोदी में उठाऊं? चलो आ जाओ उठाती, वेट करो वेट। ये देखो अंकल स्नेक लेके बैठे हैं, देखो देखो वो बेबी अपने ऊपर डाल रही है। पैरेट हमारा मिट्टू। ये रहा स्नेक है, किसके अंदर? उसके अंदर भी है, सब आगे जाते जाएंगे वन बाय वन, तो देखेंगे अंदर। अम्मा यार अंदर चलते हैं ना। उसने डाल के ना उसके हाथ में दिया, वो कितना क्यूट लग रहा है बच्चा माशाल्लाह। हमदान हमदान इसको टच करो, हमदान जाओ आप भी टच करो, जाओ अभी पापा आ रहे हैं ना, फिर आप अंदर जाना इनके पास, रैबिट के पास। ओके हमदान
हमदान, आपको डर लग रहा है हमदान? इधर देखो हमदान, हमदान को डर लग रहा है अंदर जाने में, सब बच्चे रैबिट से खेल रहे हैं। हमदान जाओ देखो, वो भी कैरेट चला रहे हैं। हमदान बोलो, इसको बोलो अंदर आ जाओ। क्या हुआ हमदान, जाओ अंदर जाओ, जाओ मेरा बच्चा। हाँ हमदान करो, नहीं बाइट करेगा, टच करो इसको, जाओ हेलो से हेलो। ये टिकट लेने के बाद भी इतना क्राउड है यहाँ पर। टिकट हमारे पास है, अंदर जाने के लिए क्यों लगी हुई है ये मॉल का, ये सारा ये ना उसमें ये दिखा रहे हैं पेटिंग जू का जो है ना वहाँ पर आ रहा है। आप क्या बोल रही थी, बोलो। सबको टिकट मिल गई, टिकट लेके वेट कर रहे हैं हम। हेलो हमदान, वाह अच्छा खुदा। हमदान आर यू हैप्पी? हमदान, हमदान आर यू हैप्पी? खुदा हटो, इसकी वीडियो में आ रहे हो बीच में। हमदान आ जाओ, दूसरे पेट्स के पास चलते हैं, आ जाओ। हाँ आ जाओ हमदान, सब में चले जाओ। हमदान हमदान मारो तो नहीं, वो मारेगा आपको, वो मारेगा। आओ आओ पैरेट के पास जाते, आ जाओ जल्दी से, आ जाओ हमदान। हमदान मोहम्मद, मोहम्मद हमदान, इसको जो है ना रैबिट छोड़ने का दिल नहीं है, इसको रैबिट बहुत पसंद है। हमदान आपको रैबिट अच्छे लगते हैं? घर ले जाए इसको, घर ले जाए, घर ले जाए रैबिट को, ये बाइट कर लेगा ये। इसको कैरेट खिलाओ, कैरेट पड़ी है ना वहाँ पर। इसको ना रैबिट को छोड़ने का दिल नहीं कर रहा है। हाँ स्नैक के पास जा रहे हैं हमदान, आज इसको खिला दो फिर आ जाते हैं। चलो इसको खिला दो, उसका टमी फूल है हमदान। इसको चेक करो, इसके खा रहा है, देखो चेक करो। आ जाओ हमदान, आ जाओ हमदान, हमदान कम, हमदान ये है क्या चीज, के लिए फूड भी रखा हुआ है। ये टीवी में देखा है ना मूवीज वगैरह में, यहाँ पर बैठा हुआ। इसकी टेल कितनी लंबी है, इनकी आवाज़ इतनी अच्छी लग रही है, खूबसूरत सी आवाज़ है। खुदा आर यू स्केट, खुदा ने ना स्नैक डाल लिया अपने गले में, वेरी गुड खुदा। हमदान गायब हो गया, हमदान डर रहा है। हमदान देखो खुदा को, देखो खुदा, हाँ बाइट कर लेगा वो, खुदा दूर रखो बेटा। हमदान आप गाल डालेंगे गले में, हमदान हमदान आप डालेंगे गले के अंदर, वन बाय वन सब, वेरी गुड। मिट्टू, नानी का मिट्टू, और ये खुदा की नानी के मिट्टू आ गए, ये नहीं आएंगे ना फिंगर के ऊपर। सबको एक ही फूड डाला है इन लोगों ने। ये पिंक वाला कितना प्यारा लग रहा है माशाल्लाह से, ग्रीन भी ले मिट्टू।
टर्टल, बेबी टर्टल है ना ये। डोंट टच बेटा, डोंट टच। हमदान को दो, हमदान हमदान इसको डर लग रहा है। चलो दे दो, वो आंटी खड़ी है उनको। हमदान आप बैठो, आपको भी देंगे। हमदान देखा, जूम नहीं हो रहा है मोबाइल में कैमरा, पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो गया। सेटिंग में कुछ प्रॉब्लम था, अभी हो गया जूम। ये हमदान इसको इतनी गौर से देख रहा है। हमदान 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 वो आपको बुला रहा है पैरट, वो कह रहा हमदान मेरे दोस्त। इसको लिखा हुआ है हुदा, प्लीज डोंट टच। हमदान आपको मजा आ रहा है यहाँ पे? हाँ हमदान, ये रैबिट भाई ना जा। नहीं है, हमदान आपको पिक करवाना है इनको। द फर्स्ट वन कम ऑन, देना उसको। हमदान होल्ड होल्ड, नो नो नो, डोंट कैरी। हमदान नो, राइट थिंग, या कम ऑन, दैट्स इट, दैट्स अ हंडी। हमदान को रैबिट बहुत पसंद है। हमदान रख दो, वो फूल हो गया उसका टमी, तब बच्चे खिला रहे हैं ना, उसको फूल हो गया बेटा। देखो वहाँ पर भी रैबिट है हमदान, वो भाई बैठा है ना वहाँ पर, रैबिट हैं दो। हमदान गो, हमदान जा पर्स लेके चली जाओ ना। हमदान क्या हुआ? हमदान गो गो, हमदान गो। हुदा भाई को आगे करो, हुदा हमदान को कैरेट ही खिलाना है इनको बस। खड़े रहने दो, अभी तो आए, ये टाइम वेस्ट कर रहे हैं। हमदान आपको लेना है इसको। हमदान ओके, आप क्यों में रहो, आप ही आपको ले आकर देती हैं। यहाँ पर भी डक्स हैं, कितने क्यूट लग रहे हैं। हमदान आप क्यों नहीं ले रहे, उसको डर लग रहा है बस। वही इसके देखो, आप ही ने लिया है, देखो नो टच नहीं करना। अब इसको चाहिए, क्या है ये, हैमस्टर है क्या है? गिनी पिग, गिनी पिग। नो नो नो, वो स्कैर्ड हो जाएगा। अंदर आपको दे, अभी आपको दे, थोड़ी देर खुदा दो इसको। हमदान उससे बातें करनी है क्या? हमदान को दे दो, दो मिनट। हमदान सिट डाउन, बैठोगे तो देंगे अंकल। हमदान मम्मा को दिखाओ, हमदान हमदान कैमरा में देखो। हमदान उठा लो, कुछ नहीं होगा। हमदान कम, हमदान ना कब से गौर से इस पैरट को देख रहे। चलो अब ये पैटिंग जू को करते हैं, बाय बाय। टाइम अप हो गया, यहाँ पर सब लोग बाहर आ गए। अब जो नेक्स्ट है, हाँ वो लास्ट है बस, अब टाइम अप हो गया इसका। फिर नेक्स्ट वापस आएंगे इंशाल्लाह, देखते हैं कब तक लगा हुआ है। बच्चों ने काफ़ी इन्जॉय किया। चैनल सब्सक्राइब कर दो फ्रेंड्स। हमदान 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 आपको रैबिट के पास जाना है। हमदान हाँ बोल रहा है, इसको रैबिट इतने पसंद है। दो दिन और है ना, कुछ दिनों के लिए लगा हुआ, आएंगे फिर वापस आएंगे। चलो हमदान कम, हम अगेन आएंगे रैबिट के पास। ओके हमदान क्या खा रहे हैं आप? डोनट। ये होम सेंटर में ये सेटअप कितना ज़बरदस्त बनाया है, बच्चों के रूम के हिसाब से सब नज़र आ रहे हैं।
अपनी आई साइट ख़राब कर लेगी। हुदा ये नंबर का है मेरा ग्लास। क्या ये हम लोग अभी आ गए होम बॉक्स में, इसी मॉल के अंदर बना हुआ है होम बॉक्स। अच्छे ज़बरदस्त डेकोरेशन पीसेस पड़े हुए हैं, सब डेकोरेशन के लिए बेटा, सारे डेकोरेशन पीसेस। ये होम वाला भी बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है, क्यूट सा है ना, बर्ड भी अच्छा लग रहा है। ये देखो, चलो आगे देखते हैं। ये वाला होम बॉक्स मेरा ख्याल से ना ये सबसे बड़ा वाला होम बॉक्स है जो ये ओएसएस मॉल के अंदर है। ये सारा सेटअप करके रखा है ताकि जिसको जैसे पसंद आए वो ऐसा खरीद कर ले जाए यहाँ से। टेबल वगैरह कैंडल का है ना, ये कैंडल स्टैंड, हाँ, हाँ, कैंडल का। टुडे इज ऑलवेज द बेस्ट डे, स्पेशल नहीं समर ट्रॉपिकल जूस, वो ज़बरदस्त लग रहा है। ये वॉलपेपर है, यहाँ पर लैंप आ गए और वो भी लैंप आ गए। ये उदा का ड्राइंग रूम है ना उदा, इंशाल्लाह। ये वाला डाइनिंग टेबल बड़ा अच्छा है और कंफर्टेबल भी बहुत लग रहा है ये, है ना। थोड़ी छोटी चेयर वाला होता है ना वो बेस्ट रहता है, ग्रीन सोफा भी अच्छा। चलो आगे चलते हैं, क्या कुशन दिखाने के लिए लाइए तो। अच्छा। और ये सोफे भी बड़े प्यारे से लग रहे हैं, वेलवेट के डार्क कलर कुछ हो ना एक साइड वॉल का, तो इस तरह के लाइट कलर में ये सोफा बड़े खूबसूरत लग रहे हैं विद कुशन। ये वेलवेट है और ये कलर भी बहुत प्यारा लग रहा है सोफे का, ग्रे भी अच्छे लग रहे हैं वहाँ पर। यहाँ पर आते ना तो हर चीज़ ऐसा लगता है बस बंदा सब खरीद ले, स्पेस हो इतना तो घरों में लेके डाल दें। कितना खूबसूरत लग रहे हैं ये सोफे, साइज भी सही। हमदान, हमदान किसको कॉल कर रहे हैं आप? ये रॉकिंग चेयर है, रॉकिंग है। ये कितना ज़बरदस्त सेटअप करके लगाया ताकि इस तरह से बंदा अपना लिविंग रूम में बना सके। और आगे जाते हैं हम, ये भी क्यूट सा सोफा। ये वाला जो डाइनिंग है ना ये सोल्ड हो चुका है और इसका सेटअप देखो फ्रेंड्स, ये कितना ज़बरदस्त लग रहा है सारा डेकोरेशन के साथ, ये सोल्ड हो चुका है। और एक ये भी बहुत प्यारा सा लग रहा है और वहाँ पे इस तरह से रूम का सेटअप बनाया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सारी चीज़ें बहुत खूबसूरत लग रही हैं। ये बकेट कितने खूबसूरत लग रहे हैं ना बच्चों के रूम में रखने के हिसाब से। इनका स्टफ़ बड़ा ज़बरदस्त होता है, जितना भी यूज़ कर लो कोई चीज़ ख़राब नहीं होती। ये कितने क्यूट लग रहे हैं ना बच्चों के रूम के हिसाब से, या कहीं भी आप लगा लें बेडरूम वगैरह में, कलरफुल लग रहे हैं काफ़ी। यहाँ गर्ल्स का भी है, स्पाइडरमैन मग मुझे एक नज़र आया है, मतलब थोड़ा सा हैवी है, मुझे थोड़ा लाइट वेट का चाहिए हमदान के लिए, इसको स्पाइडरमैन का करेक्टर बहुत पसंद है। यहाँ मिनियन भी है, बच्चों को मिनियन भी बहुत पसंद होते हैं ना, सब बच्चों का अपना अपना चॉइस है। ये स्पाइडरमैन वाला कुशन मिल रहा है 29 दिरहम्स का। डस्टबिन भी आ गए अब तो कैरेक्टर में, देखो ये भी डेकोरेशन के हिसाब से यहाँ पर रखा हुआ है। आज का व्लॉग थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेकिन ये सब इतनी खूबसूरत चीज़ें हैं ना, मेरा दिल कर रहा है मैं सब चीज़ें यहाँ से वीडियो में लूँ ताकि सब लोग देखें कितना खूबसूरत लग रहा है। ये डेकोरेशन पीसेस टाइप के हैं, ये थोड़ा थोड़ा ये लाइटिंग की वजह से यहाँ तो खूबसूरत लग रहा है, वीडियो में पता नहीं किस तरह से आ रहा है, अच्छा ही आ रहा होगा। चलो और आगे ले चलते हैं आप लोगों को। होदा बैठो बैठ जाओ, दोनों अच्छे लग रहे हैं ना। ये वुड की चेयर, ये भी कितने खूबसूरत लग रहे हैं।
वाओ जबरदस्त। सो जाओ फिर हम जाएंगे तो उठा लेंगे आपको। ये भी अच्छा लग रहा है, ये थर्मोस कितना प्यारा लग रहा है ना, वाइट कलर में और बहुत खूबसूरत लग रहा है। कहीं पिकनिक वगैरह पे जाए इस पर कॉफ़ी चाय बनाकर, बहुत अच्छा है। और ये भी अच्छे हैं बट ये मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, इसमें ग्रीन कलर भी है वो भी अच्छा है। और ये खूबसूरत से फ्लावर्स आ गए हैं, कितने प्यारे लग रहे हैं। बट बच्चे जो है ना खानदान के पास तो रखने जैसा नहीं है, ये मिरर में एक सेकंड में तोड़ के सब सीधा कर देगा, बट ये बहुत अच्छे लग रहे हैं। और ये भी बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पर, हैंगिंग पे भी हैं कुछ बालकनी वगैरह डेकोर करने के हिसाब से, और बहुत अच्छे हैं। कलर्स कितने अच्छे लग रहे हैं इनके, लग रहे हैं ओरिजिनल हैं बट ये सब आर्टिफिशियल हैं। यहाँ पे भी डेकोरेशन पीसेस हैं, यस ये हमदान तो जहाँ घुस जाता है ना तो निकलने का मन ही नहीं करता हमदान का। वाह इतना वाइट है और ये नीचे से पानी गिर रहा था, नहीं टच किया मैंने किसी को भी। ये सारे प्लांट ये तो ओरिजिनल हैं, ये वाले ये ना ये ओरिजिनल है और ये आर्टिफिशियल है। टच नहीं करना आप, ये अच्छा लग रहा है ना हमदान, इसको टच कर सकते हैं। ये हमदान को तो सब टच करना बहुत जरूरी है। हमदान वो स्टॉप हो गया, जाओ चलो कमलेश को, हमदान हमदान डोंट टच। ये कितना अच्छा बनाया हुआ है, बाहर से लेती हूँ मैं आपको, चलो आ जाओ बैठो, आप बैठो चेयर पे। खुदा कह रही मम्मा बाहर से वीडियो लो, अच्छी आएगी इसकी वीडियो। ये जो गार्डन में छोटा सा एक एरिया बनाते हैं ना गार्डन में, उसके हिसाब से ये बहुत ज़बरदस्त बना हुआ है। ये इस तरह से स्टाइल बताया कि इस तरह हम बना सकते हैं अपने गार्डन एरिया को, तो गार्डन एरिया हमारा और खूब। हमदान आप यहाँ पर क्या लेने आए, अभी डोनट खाए ना आपने? उससे बात भी कर रही है, उसको ऑर्डर दे रहा है किसी चीज़। आइसक्रीम के ज़बरदस्त फ्लेवर आ गए, ये कप में डाल के देगी ये बच्चों को। इस वीडियो को भी अब यहीं पर एंड करते हैं, आज का व्लॉग बहुत बड़ा हो गया है। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा, अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। कहाँ गया, ये पूरा क्लोज हो गया अभी, अभी कल वापस आएंगे सब सब सारे बर्ड्स लेकर चले गए यहाँ से, पैर सारे। और ये पता नहीं किसकी आवाज़ है, पैरट है पता नहीं कौन है, बस कुछ पैरट यहाँ पे रह गए अभी, वो कुछ लोग सब चीज़ें लेकर चले गए। और ये हमदान डर के बाहर खड़ा हो गया। हमदान ये देखो पैरट आपको मारेंगे। अच्छा उसको अंदर डाल दिया ना केज में, वो ही शायद आवाज़ निकाल रहा है, बड़ा वाला पैरट है पिंक वाला, ये ऐसे मूव कर रहा है, ये देखो अंदर है ये, अभी ये सब लेकर जा रहे हैं यहाँ से, क्लोज कर रहे हैं बस। हमदान कम, हमदान कम, हमदान कम, ये सारे रैबिट भी जा रहे हैं, इनको बाय बाय कर दो, से बाय बाय बाय, सब जा रहे हैं।